हेलो स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा तो आपका जो स्वपीड़न गुणांक है वो जड़त्व की माप होती है, और क्योंकि ये फिनोमेना स्वपीड़न गुणांक है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसलिए ये जो ऊर्जा होती है उसे हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जड़त्व में आप जानते हैं कि जड़त्व जो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि किसी भी स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है, इसलिए इस स्थिति में जो भी इसमें ऊर्जा होगी वो सब स्थितिज ऊर्जा कहलाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और इसके लिए सूत्र। तो आप जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है तो कार्य ही जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यानी कि स्वपीड़न गुणांक की घटना के अंदर जो भी विद्युत कार्य किया जाता है वही विद्युत कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्वप्रेरण की घटना में किया गया विद्युत कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य इक्वल टू होता है आपका विभव इनटू आवेश। विद्युत विभव, विद्युत विभव यहां पर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इनटू आवेश। आवेश मान लेते हैं भी Q के बराबर होता है, जहां E ये इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल और क्यों आवेश। तो ये हम जानते हैं कि इस ई का जो मान होता है ये इक्वल टू इसको किसी भी क्षण यहां पर आवेश हम इसमें डी क्यू मान लेंगे भैया डी क्यू। किसी क्षण टी पर तो हम इसको क्या कहते हैं, ये इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, और ये जो है आपका एल, और हम इसको ऐसे लिख लें डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई। तो ये क्या है कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जो इसमें ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है इसका जो है, तो ये इक्वल टू एल और ये आई इंटू डी आई, जहां ई इक्वल टू माइनस एल
डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस साइन इसके अंदर नहीं रखें क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसमें, और क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो अगर इसमें विद्युत धारा का मान जीरो से लेकर के आई नोट तक बढ़े तो किया गया कार्य कितना हुआ? यदि विद्युत धारा जीरो से आई नोट तक परिवर्तित हो तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित होगी, यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू आई नॉट और ये एल आई इंटू डी आई। इसका जो अवकलन है वो इसमें एल और इस आई का हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन के नियमानुसार, और ये लिमिट जीरो टू आई नॉट। सो ये इक्वल टू एल, इसका मान लिखने आई नॉट स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू। सो ये इक्वल टू वन बाई टू एल आई नॉट स्क्वायर, ये इक्वल टू यू। तो आप देख रहे हैं कि ये चुंबकीय स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले के तुल्य है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें देखें तो भाई द्रव्यमान m के स्थान पर यहाँ l आ रहा है और v के स्थान पर इसमें करंट आ रही है आई नॉट। अतः u प्रोपोर्शनल टू l, यानी कि ये जो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा होती है वो स्वपीड़न गुणांक के समानुपाती होती है और u प्रोपोर्शनल टू i नॉट स्क्वायर विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं विद्युत धारा जितनी प्रवाहित होगी इसमें स्थिति ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा हुआ, यानी कि उतना ही अधिक कार्य करना पड़ता है, और उससे जितना अधिक कार्य किया जाएगा उतनी इसमें स्थिति ऊर्जा इसमें संचित होगी। तो संचित कहाँ होती है? क्योंकि हम प्रणालिका या कुंडली है उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुंडली के अंदर जो स्पेस जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये स्थिति ऊर्जा संचित होती है भैया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम विद्युत धारा का मान दोगुना कर देंगे तो ये स्थिति ऊर्जा का मान चार गुना हो जाएगा, अगर विद्युत धारा आधी कर दी तो यही स्थिति ऊर्जा का मान एक चौथाई हो जाएगा इसमें। तो इसलिए स्थिति ऊर्जा जो होती है वो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। तो यह स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा तथा स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा की तुलना। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो भी यहाँ पर जो इससे ऊर्जा आ रही है वो है आपका u इक्वल टू वन बाई टू एल आई नॉट स्क्वायर, और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी कंपैरिजन कर लें इसमें तुलना करने पर आप क्या देख रहे तुलना करेंगे
तो ये जो L है वो इक्वलेंट होता है M के, और I नॉट है ये इक्वलेंट होता है V के। तो यानी कि जो L जो होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो L है, जो स्वपीड़न गुणांक है, वो जड़त्व का माप होता है। अतः स्वपीड़न गुणांक जड़त्व की माप होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय ऊर्जा होती है वो इसमें आपके इन पर डिपेंड करती है, और हम इसकी कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है, वो जड़त्व की माप होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। थैंक यू।